झटपट बनने वाले बेसन के लड्डू सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। जितने अच्छी तरीके से बेसन भुना होता है बेसन के लड्डू उतने ही अच्छे लगते हैं। हेलो फ्रेंडली रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दानेदार बेसन के लड्डू की रेसिपी और साथ में बेसन के लड्डू के लिए हम तगार बनाकर भी तैयार करेंगे। इनके लड्डू में जो चीनी डलती है वो हल्की दानेदार होती है। बेसन के लड्डू बनाने के साथ मैं आपके साथ तगार की रेसिपी भी शेयर करूंगी। पहले हम तगार बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ एक पैन लिया है, उसमें एक कप चीनी डाल दी है। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने के लिए यहाँ मैंने 1/3 कप पानी डाल दिया है। हम मीडियम फ्लेम पर चीनी को लगातार चलाते हुए इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। चीनी को पकते पकते 5 मिनट हो चुकी है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और अब आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें अब हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने से ये होगा कि हमारी तगार एकदम मुलायम बनके तैयार होगी, इसमें मोटे मोटे डले नहीं रहेंगे, गाँठे नहीं पड़ेंगी। सकते हैं यहाँ चीनी में झाग आना स्टार्ट हो गया है, हमें चीनी को ज़्यादा नहीं पकाना है। इस वक्त हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम लगातार चलाते हुए तगार बनाकर तैयार करेंगे। जैसे जैसे चीनी ठंडी होती जाएगी तो देखिए आप तगार बनना शुरू हो जाएगी। तो हम इसे लगातार चलाते हुए और डले अच्छे से मैश करते हुए तगार बनाकर तैयार करेंगे। चीनी एकदम ठंडी हो चुकी है तो सारी गुठलियों को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी गांठों को अच्छे से मैश कर लिया है और एकदम दानेदार तगार बनके तैयार हुई है। अब हम जल्दी से बेसन के लड्डू बनाना भी शुरू करते हैं। बेसन भूनने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई ली है और उसमें सबसे पहले मैंने मगज के बीज डाल दिए हैं, जिन्हें मैं अच्छे से भून लूँगी। बेसन के लड्डू में मगज के बीज बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खरबूजे के बीज को लगातार चलाते हुए हमने भून लिया है और ये फूले फूले दिखाई दे रहे हैं। तब हम खरबूजे के बीज को निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में अब हम 4 चम्मच घी डाल देंगे। तो यहाँ घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें बेसन डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को लगातार चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। लगातार चलाते हुए भूनेंगे तो बेसन में गुठले नहीं पड़ेंगे। बहुत ज़रूरी है कि बेसन को हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनें। यहाँ मुझे बेसन थोड़ा हल्का सूखा लग रहा था, इसलिए मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। हमें बेसन को बिल्कुल भी फुल फ्लेम में नहीं भूनना, इससे हमारा बेसन कहीं कहीं से भुनेगा और कहीं से नहीं, जिससे कच्चा कच्चा स्वाद आएगा और खाते वक्त गले में चिपकेगा। इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर ही बेसन को भूनना है, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से भून चुका है, बेसन का कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। क्योंकि हमें बेसन के लड्डू एकदम दानेदार चाहिए तो हम थोड़ा सा पानी डाल के दाने बना लेंगे। पानी के छींटे देने से बेसन अच्छे से फूल जाता है और एकदम दानेदार बेसन के लड्डू बनके तैयार होते हैं। तो मैंने 2 बार छींटे देकर अच्छे से बेसन को भून लिया है। बेसन अच्छे से भून चुका है तो बेसन को अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे। हमें इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा कि हम इसे टच कर सके। तो यहाँ बेसन अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम भूरा डालेंगे या तगार और साथ में डालेंगे खरबूजे के बीज। बेसन में तगार और खरबूजे के बीज को अच्छे से मिला देते हैं। कोई भी गर्म बेसन में तगार ना डालें, तगार मेल्ट होने लग जाती है और जिससे बेसन बहुत ही पतला हो जाता है और लड्डू बनाने में बहुत ही मुश्किल होती है। हमें बेसन को एकदम ठंडा भी नहीं करना है, क्योंकि जब हम इसमें तगार मिलाएंगे से बेसन बहुत बिखरा बिखरा हो जाएगा और लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा। और तगार अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इससे लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू को दोनों हथेलियों की सहायता से हम अच्छे से बाइंड करेंगे। इस तरीके से बाइंड करते हम लड्डू को गोल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बेसन का लड्डू बनके तैयार हुआ है, जो आप छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ आज मैंने बेसन के लड्डू छोटे बनाए हैं। दोनों हाथों की सहायता से लड्डू को अच्छे से बाइंड करते हुए गोल शेप में करेंगे और सारे लड्डू ऐसे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखा दोस्तों आपने कितना आसान है बेसन के लड्डू बनाना।
अगर आपका भी कुछ मीठा खाने का मन है तो जल्दी से इन बेसन के लड्डू को बनाकर तैयार कर लीजिए। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट लड्डू बनके तैयार हुए हैं। बेसन के लड्डू बनाना आसान तो है ही, और साथ में कम इन्ग्रीडियंट के साथ बनके तैयार किए जाते हैं। मेरे बेसन के लड्डू की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर अगर आपको मेरी बेसन के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेसन का लड्डू खाते जाइए।